हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो डिजिटल रूट मेथड के ऊपर बेस है। इनमें क्वेश्चन लिया गया है कि 4.2 इंटू 7.35 इंटू 9.12, अगर इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यही आपको निकालना है। तो दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस टाइप क्वेश्चन को ट्रेडिशनल प्रोसेस से जैसे कि 4.2, 7.35 तो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 9.12 इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपके पास लाया हूँ डिजिटल रूट मेथड जिसमें आप बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो मैं हूँ दिलवा दोस्तों, मेरा और आपका कोचिंग सेंटर स्मार्ट स्टडी फॉर करियर में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप स्मार्ट स्टडी फॉर करियर का सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाइए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी कीजिए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझने के लिए। मान लीजिए 11 × 10 करना है, इसका आंसर कितना होगा? 11 × 10 हम लोग जानते हैं 110। तो देखिए आप इसको सही है या गलत है इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? इन सभी का अलग से सिंगल डिजिट निकालना है। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसका इन दोनों का सिंगल डिजिट क्या होगा? 1 + 1 = 2 इंटू 1 + 0 = 1 2 × 1 = 2। तो इसका जो इन दोनों का जो सिंगल डिजिट होगा वो दोस्तों 2। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, 1 + 1 = 2 2 + 0 = 2 ये होगा। तो देखिए दोनों का सिंगल डिजिट सेम। तो इसी तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो सिंगल डिजिट होगा और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इन चारों में से इसका सिंगल डिजिट सेम होना चाहिए। तो चलिए चेक करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए 4.2 है तो पॉइंट को अभी छोड़िए, 4 + 2 = कितना? 6। इसी तरह से देखिए 7 + 3 = 10, 10 + 5 = 15 एंड 9 + 1 = 10, 10 + 2 = 12। आप इसको 9 को पहले इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 9 के साथ आप किसी भी नंबर जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट, 1 + 5 = 6, 1 + 2 = 3। अब देखिए 6 6 3, देखिए 6 × 6 × 3, देखिए 6 × 6 = 36, 36 × 3 = 108। तब इनका भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 + 0 + 8 = 9। तो दोस्तों देखिए इन तीनों का सिंगल डिजिट है 9। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ABCD, इनमें से देखिए किसका ऑप्शन सिंगल डिजिट 9 होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 + 8 = 10, 10 + 2 = 12, 12 + 6 = 18, 18 + 3 = 21, 21 + 4 = 25, 25 + 4 = 29। फिर से 2 + 9 कर सकते हैं, 2 + 9 = 11 और 11 को फिर से जोड़ सकते हैं, 1 + 1 = 2। तो दोस्तों ऑप्शन ए का सिंगल डिजिट है 2, तो ये तो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। उसके बाद चलिए सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं, 2 + 8 = 10, 10 + 2 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 3 = 20, 20 + 5 = 25 एंड 25 + 4 = 29। तो दोस्तों देखिए यहाँ इसका भी 29 है तो यह इसका भी सिंगल डिजिट 2 हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, 2 + 8 = 10, 10 + 1 = 11, 11 + 5 = 16, 16 + 3 = 19, 19 + 4 = 23, 23 + 4 = 27, 2 + 7 = 9। देखिए इसका सिंगल ऑप्शन सी का सिंगल डिजिट है 9, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी भी चेक कर लेते, क्या पता इसका भी 9 निकल जाए। तो देखिए 2
टू प्लस एट इज इक्वल टू टेन, टेन प्लस थ्री इज इक्वल टू थर्टीन, थर्टीन प्लस सिक्स इज इक्वल टू नाइनटीन, नाइनटीन प्लस थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थर्टीन, तो थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री, तो इसका सिंगल डिजिट थ्री है। तो देखिए ऑप्शन सी का जो सिंगल डिजिट है वो नाइन है, तो ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी नंबर इस टाइप का क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से ऑप्शन चूज करके आंसर निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के ऊपर और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, तो एट फर्स्ट इन दोनों का सिंगल डिजिट निकालिए, फाइव प्लस नाइन, नाइन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं पहले से ही, फिर भी जोड़ लेते हैं, फाइव प्लस नाइन इजिकल टू फोर्टीन, फोर्टीन प्लस टू इजिकल टू सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फोर इजिकल टू ट्वेंटी, ट्वेंटी को आप टू प्लस जीरो इजिकल टू टू लिख सकते हैं। इसी तरह इसका भी देख लेते हैं, फोर प्लस सेवन इजिकल टू इलेवन, इलेवन प्लस थ्री इजिकल टू फोर्टीन, फोर्टीन प्लस एट इजिकल टू ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू टू प्लस टू इजिकल टू फोर। तो दोस्तों देखिए टू प्लस फोर अगर करेंगे टू सॉरी दोस्तों टू इंटू फोर करेंगे टू इंटू फोर इजिकल टू एट। अब दोस्तों देखते हैं इनमें से कौन सा सिंगल डिजिट फोर है, तो चलिए जोड़ लेते हैं, टू प्लस एट इजिकल टू टेन, टेन प्लस वन इजिकल टू इलेवन, इलेवन प्लस सिक्स इजिकल टू सेवनटीन, सेवनटीन प्लस सेवन इजिकल टू ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस नाइन इजिकल टू थर्टी थ्री, थर्टी थ्री प्लस टू इजिकल टू थर्टी फाइव, थर्टी फाइव प्लस थर्टी टू इजिकल टू थर्टी सेवन, थ्री प्लस सेवन इजिकल टू आपका वन, वन थ्री प्लस सेवन इजिकल टू टेन, और वन प्लस जीरो इजिकल टू वन, तो इसका सिंगल डिजिट वन है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बी देख लेते हैं, टू प्लस एट इजिकल टू टेन, टेन प्लस सिक्स इजिकल टू सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस सेवन इजिकल टू ट्वेंटी फोर, सॉरी दोस्तों ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री प्लस नाइन इजिकल टू ट्वेंटी थर्टी टू, थर्टी टू प्लस वन इजिकल टू थर्टी थ्री, थर्टी थ्री प्लस टू इजिकल टू थर्टी फाइव, तो थर्टी फाइव, थ्री प्लस फाइव इजिकल टू एट। तो देखिए ऑप्शन बी का सिंगल डिजिट है एट, तो यही आपका आंसर हो सकता है। लेकिन दोस्तों चलिए और भी ऑप्शन से करते हैं सी और डी। जैसे कि देखिए टू प्लस नाइन इजिकल टू इलेवन, इलेवन प्लस सिक्स इजिकल टू सेवनटीन, सेवनटीन प्लस सेवन इजिकल टू ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस नाइन इजिकल टू थर्टी थ्री, थर्टी थ्री इजिकल प्लस फोर इजिकल टू थर्टी सेवन, तो इसका भी सिंगल डिजिट ऑन आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं, टू प्लस एट इजिकल टू टेन, टेन प्लस सेवन इजिकल टू सेवनटीन, सेवनटीन प्लस सेवन इजिकल टू ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस नाइन इजिकल टू थर्टी थ्री, थर्टी थ्री प्लस फोर इजिकल टू थर्टी सेवन। सॉरी दोस्तों यहाँ पर आप फाइव ले लीजिए, उसके बाद चेक कर लेते हैं। चलिए टू प्लस एट इजिकल टू टेन, टेन प्लस फाइव इजिकल टू फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस सेवन इजिकल टू ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू प्लस नाइन इजिकल टू थर्टी वन, थर्टी वन प्लस फोर इजिकल टू थर्टी फाइव, तो देखिए थर्टी फाइव होगा, थ्री प्लस फाइव इजिकल टू एट, तो देखिए इसका भी एट है और इसका भी सिंगल डिजिट एट है। अब दोस्तों आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर जाना का पड़ेगा। देखिए लास्ट में फोर है और लास्ट में यहाँ पर एट है, अगर फोर इंटू एट करेंगे, फोर इंटू एट तो आपका थर्टी टू होगा, तो देखिए लास्ट में आपका ऑलवेज टू होना चाहिए और यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर टू है, तो ही यही ऑप्शन आपके लिए आंसर बेस्ट आंसर होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है किसी के ऊपर, मान लीजिए ट्रेडिशनल प्रोसेस से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव नाइन टू फोर, फोर सेवन थ्री एट, तो यहाँ पर देखिए एट फर्स्ट जो काम करना पड़ेगा, फोर इंटू एट इजिकल टू यहाँ पर टू ही होगा और यहाँ पर नीचे कोई कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर टू होना चाहिए लास्ट में, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट में टू है और यहाँ पर थ्री है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है डिजिटल रूट मेथड, तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और अगर दोस्तों आप देखना चाहेंगे कि डिजिटल रूट मेथड से डिवाइडेड का रूल्स क्या है, तो आप ज़रूर मेरा दूसरा एक वीडियो है डिवाइडेड के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।
और अगर आप इस चैनल का सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।